हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डिलाइट्स विद सबा। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी हायर के माइक्रोवेव अवन के बारे में। उनकी जो रिबन सीरीज है उसका 45 लीटर्स का माइक्रोवेव अवन, उसकी मैंने वर्किंग दिखाई थी कि किस तरह से यूज होता है और उसमें क्या क्या ऑप्शन हैं। तो उस वीडियो के बाद काफी मुझे रिक्वेस्ट आई कि जी आप इसमें कोई चीज बना के भी दिखाएं। तो आज मैं केक बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि इसके भी इस ग्रिलिंग ऑप्शन को ट्राई किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस माइक्रोवेव ओवन के ऊपर ये ग्रिलिंग रॉड्स लगे हुए हैं और इसमें ग्रिल का ऑप्शन भी है। तो इसमें फिर केक बना के ट्राई करते हैं आज के केक बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा, ये पैन जो आपको सामने नजर आ रहा है ये माइक्रोवेव के लिए नहीं है। असल में पहले तो मैंने सोचा कि एक पूरा प्रॉपर बड़ा केक इसके अंदर बनाऊं, पर फिर मुझे ख्याल आया कि अगर वो केक खराब हो गया तो सारे का सारा बैटर भी वेस्ट हो जाएगा, केक भी वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अब के ये दो छोटे मैंने माइक्रोवेव सेफ कप्स ले लिए हैं जो कि माइक्रोवेव में आप रख सकते हैं, और इनके अंदर मैं जो केक का बैटर है वो डालूंगी, ठीक है। और बाकी का जो है, जो बैटर है, वो मैं एज यूजुअल अपने गैस ओवन में ही बनाऊंगी ताकि अगर चीज वेस्ट होनी है तो थोड़ी हो जाए। और इस तरह से हम दोनों केक्स को कंपेयर भी कर सकेंगे कि जो माइक्रोवेव के अंदर हमने बनाया है उसका कैसा टेक्सचर है और जो इस गैस ओवन के अंदर हम बनाने लगे हैं उसका कैसा टेक्सचर है। ऑलरेडी मैं बैटर प्रिपेयर कर चुकी हूँ, बनाना केक मैं बना रही हूँ। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, बहुत ही मजे का बनता है ये केक। थोड़ा सा चेंज उस रेसिपी से मैं ये करने लगी हूँ इसमें कि मैंने इसी बैटर को लेकर थोड़े से को उसके अंदर कोको पाउडर एड कर दिया। तो चले इस बैटर को सारे को अब अपने इन सांचों में पोर कर लेते हैं और उसके बाद माइक्रोवेव में आपको रख के दिखाती हूँ कि इनको किस तरह से रखना है और उसके बाद एंड रिजल्ट देखेंगे कि केक किस तरह के बने हैं। अच्छा जी, केक का बैटर मैंने पोर कर लिया है पैन के अंदर भी और इन मग्स के अंदर भी। मग्स को मैंने इतना खाली रखा है ताकि अगर ये फूले तो बाहर ना गिर जाए इसमें से। अच्छा जी, मग्स को मैंने माइक्रोवेव के अंदर रख दिया, ठीक है। और अब इसके बाद ऑन करेंगे हम इसका ग्रिलिंग का ऑप्शन। अच्छा, ग्रिल वन का मतलब है कि ये सिर्फ ग्रिल करेगा, ठीक है, और सी वन का मतलब है कि ये ग्रिलिंग भी करेगा और माइक्रोवेव को भी चलाएगा, ठीक है। अब सी टू है, ये भी कॉम्बिनेशन में ही ग्रिलिंग और माइक्रोवेव करता है, लेकिन हम लोग जो है वो जी वन को सिलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम टाइम जो आप ग्रिलिंग में सिलेक्ट कर सकते हैं जी वन के कॉम्बो में वो है 99 मिनट्स 99 सेकेंड, लेकिन चूंकि हमने छोटे मग में रखा है केक को तो इतने ज्यादा टाइम की हमें जरूरत नहीं है। तो मैं जी वन प्रेस करके और 20 मिनट्स पे इसको फिलहाल लगा देती हूँ, ठीक है। और हम उसके बाद देख लेंगे कि अगर तो ये अंडर कुक हुआ तो ज्यादा कर लेंगे उसको कुक, और अगर ओवर कुक होने लगा बीच में चेक करते रहेंगे तो इसका टाइम कम कर देंगे। तो अब इसको स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर हमारे जो केक्स हैं वो किस तरह से तैयार होते हैं। अच्छा जी, अब हुआ ये है कि 20 मिनट्स का हमने इस पे टाइमर लगाया था और 10 मिनट्स के बाद ये जो ग्रिलिंग का ऑप्शन है इसमें ये होता है कि आपका टाइमर स्टॉप होता है और आपको बीप देता है कि अगर आपने ऐसी कोई चीज रखी हुई है जिसे टर्न वगैरह करने की जरूरत है तो आप टर्न कर लें। अवन जो है वो बंद हो गया, उसने बीप दी है, 10 मिनट्स गुजर चुके हैं, 10 मिनट्स रह गए हैं। जरा इनको खोल के भी चेक कर लेते हैं कि इन पे कोई असर हो भी रहा है इस ग्रिलिंग का या नहीं हो रहा। ये देखिए काफी गर्म हुआ हुआ है अंदर से अवन और ये थोड़ा फूल भी रहे हैं, इसको हम फटाफट फिर से बंद कर लेते हैं ताकि इसकी हीट बाहर ना निकले। और मैंने इनको फिर से स्टार्ट कर दिया है मजीद 10 मिनट्स के लिए। जी, टाइमर हमारा पूरा हो चुका है, अब इनको खोल के चेक कर लेते हैं। अच्छा, इनको मैंने चेक किया, अंदर से ये अभी बिल्कुल कच्चे हैं। इनको मैं दोबारा से अभी बंद कर देती हूँ, दोबारा से हम उसी तरह से इसका ग्रिल ऑप्शन ऑन कर लेते हैं। दोबारा से मैं इनको 20 मिनट्स पे ही लगा रही हूँ क्योंकि अभी अंदर से ये काफी ज्यादा कच्चे हैं। जो गैस वाले ओवन में मैंने पैन रखा था वो कम्प्लीटली कुक हो गया एग्जैक्टली 20 मिनट्स में। अच्छा, उसकी वजह ये भी है कि पैन चूंकि वाइड है तो जल्दी कुकिंग हो गई, और जो मग्स हमने रखे हैं वो जरा डीप हैं तो इस वजह से भी ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर हम उसमें भी इसी किस्म का कोई पैन रखेंगे तो डेफिनेटली उसका भी जो कुकिंग टाइम है वो कम हो जाएगा।
अच्छा जी, आपने देखा होगा अभी कि मैंने इनको 2-3 दफ़ा खोल के चेक किया और ये फिर भी अंदर से कच्चे थे। मैंने इनको दोबारा से रख दिया अंदर और यही कुछ करते करते तकरीबन 50 मिनट्स गुजर गए और आखिरकार मैंने इनको बाहर निकाल लिया, क्योंकि मेरे हिसाब से 50 मिनट्स बहुत ज़्यादा टाइम है इनको बेक करने के लिए। छोटे छोटे कप्स हैं और इन कप्स को मैं जब सिर्फ माइक्रोवेव को ऑप्शन यूज़ करके इनमें अगर हम कोई केक, मग केक जो होता है वो बनाएं तो विद इन 2 मिनट्स तैयार हो जाता है, लेकिन ग्रिलिंग ऑप्शन के साथ 50 मिनट्स के अंदर, अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। इन केक्स को जब मैंने नाइफ़ की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की है तो आप ये देखें कि सारी नाइफ़ पे इसका बैटर लग गया है। इसका मतलब है कि ये अभी भी अंदर से कच्चे हैं और मुझे नहीं समझ आ रही कि माइक्रोवेव इतने अच्छे से अंदर से गर्म भी हुआ था, उसके ग्रिलिंग रॉड्स भी बिल्कुल रेड थे, तो क्यों ये केक्स कुक नहीं हुए। ये कप्स भी बहुत छोटे साइज़ के हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन कप्स में हम पहले भी मग केक बनाते रहे हैं, लेकिन उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव का सिंपल ऑप्शन यूज़ किया था, यानी जो हीटिंग ऑप्शन होता है, एंड विद इन 2 मिनट्स बहुत अच्छे से इसमें मग केक बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रिलिंग ऑप्शन है इसमें आप लोग केक्स तो कम अज़ कम नहीं बना सकते हैं, ये टोटल फेल हो गया तजुर्बा। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम इसका कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन यूज़ करें C1 और C2, जिसमें ग्रिलिंग और माइक्रोवेव दोनों साथ साथ करता है ये, तो हो सकता है कि उसके रिजल्ट्स थोड़े बेहतर हों। तो अगर मैंने इस तरह से कुछ बना के ट्राई किया तो आई डेफिनेटली अपडेट यू। और अब इसके बाद मैं इसमें पिज्ज़ा या इस किस्म की भी कोई चीज़ बना के ज़रूर देखूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि वो इसके ग्रिलिंग ऑप्शन से बनता है या नहीं बनता है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और जो मैंने गैस ओवन में केक बनाया है उसको इन्जॉय करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कोई सवालात हैं तो मुझसे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।